हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट जो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित जितनी भर्ती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशंस हैं वो ये है कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है 20/2/2024 को। इसके अंदर आपके कुछ सुधार जो है वो किए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आयोग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में लिए गए जो सुधारात्मक निर्णय है, जो कि विज्ञापन संख्या 15/2023-24 दिनांक 14/2/2024 द्वारा जारी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड प्रतियोगी परीक्षा 2024 से ही लागू होंगे। यानी कि इस भर्ती के बाद में आके ये रूल जो है वो लागू होने वाले हैं। आगे से जो भी आरपीएससी की कोई भी भर्ती आती है उसके अंदर, अब देखो यहाँ पे अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉल करने का विकल्प जो है वो उपलब्ध होगा। नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है वो है असत्य या गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग पात्रता या साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने संशोधन किया है, वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। इन्होंने कहा है कि कोई सत्य असत्य या गलत सूचना के आधार पर, कोई मतलब गलत सूचना के आधार पर अपना आवेदन कर रहा है, या फिर कंडीशन सेकेंड है कि अर्हता नहीं, योग्यता नहीं होने पर भी उसे प्रतिहारित नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता, यानी कि अगर उसकी योग्यता नहीं है और वो विड्रॉल नहीं कर रहा है ना, इन्होंने कहा है कि विड्रॉल कर सकता है जो संशोधन तिथि दे रखी है उस टाइम तक, अगर वो नहीं करता है तो उसकी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आईपीसी की धारा 182 के तहत जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग पात्रता जांच साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें एक आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का जो है इंद्राज करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो है सेंड किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन की शेष जो प्रविष्टियां हैं का इंद्राज कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी फिर से सेंड किया जाएगा, और जिसकी पुष्टि किए जाने पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। आवेदक का ऑनलाइन आवेदन करने के नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर नहीं प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र जो है वो सबमिट नहीं हुआ है और प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाए। समझ में आया आपको ये चीज़ कि इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिला है, इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है या फिर नहीं। अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि आपका जो आवेदन पत्र है, जो आपने एप्लीकेशन भरी है, फॉर्म भरा है, वो आपका सबमिट नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब उसका अपने जैसे प्रिंट करने से जो पहले अपने उसको देखते हैं कि किस प्रकार का आपका आवेदन भरा गया है, जो आपका प्रीव्यू है उसको आपको सबमिट नहीं मानना है। प्रीव्यू के बाद में आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, तभी आपको मानना है कि आपका फॉर्म फिल किया गया। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने प्रीव्यू देख के ये मान लिया कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो आपको ये चेक जरूर करना है कि क्या आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो ये मान लेना कि आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है। ठीक है, सेकेंड रूल ये अगर आपने देखिए, थर्ड रूल ये है। फोर्थ रूल के अंदर इन्होंने बताया है कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट विकल्प आपके लिए खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत जो अभ्यर्थी है वो अपनी फोटो, अपना नाम, अपने पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने
मतलब जो पिता का नाम है, अपने नाम में कोई गलती है, या फोटो में कोई गलती है, जन्म दिनांक में कोई गलती है, या फिर जेंडर में कोई गलती हुई है, तो आप उसको संशोधित कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 60 दिन पहले आपको 7 दिन का जो है संशोधन के लिए मौका दिया जाएगा एग्जाम से पहले। 60 दिन जब आपके रहेंगे एग्जाम से, तो उस दिन आपको 7 दिन के लिए आपको ये मौका दिया जाएगा। अब देखो, यदि किसी अभ्यर्थी परीक्षार्थी को आरपीएससी, यूपीएससी, अन्य भर्ती संसाधनों के द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाएं, साक्षात्कार आदि से डिबार किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं जो इंटरव्यू है आरपीएससी या यूपीएससी या अन्य भर्ती संसाधनों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर अगर इन्होंने आरपीएससी या यूपीएससी या फिर कोई अन्य भर्ती संस्थान है, चाहे वो कोई सी भी भर्ती संस्थान है, अगर उसके अंदर जो व्यक्ति है जो परीक्षा दे रहा है उसका अनुचित साधनों के प्रयोग या फिर अनुचित या अभद्र व्यवहार की वजह से उसको भविष्य की जो परीक्षाएं हैं, साक्षात्कार वगैरह है, जो इंटरव्यू वगैरह है, उसके अंदर डिबार किया गया, तो यहाँ पे क्या है, ये आयोग जो है आरपीएससी जो आयोग है, ये क्या करेगा, उसको एक लिमिटेड जो टाइम पीरियड है उसके लिए वो अयोग्य घोषित करेगा। ठीक है, अयोग्य घोषित करेगा। जैसे ये 1 ईयर की अवधि हो सकती है या फिर 2 ईयर की हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग एक टाइम पीरियड जो है वो रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6th कंडीशन जो है वो है कि अगर जो है कोई भी तलाकशुदा लेडी है या फिर जो डिवोर्स महिला है, तो उनके लिए यहाँ पे कि महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित, न्यायालय की जो डिग्री DBSA नंबर जो है 72/2022 में पारित जो निर्णय अनुसार है, जो डिग्री दे रखी है, प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो ये कंडीशंस भी है, ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप आवेदन कर रहे हो यानी फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसकी जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपके पास ये जो है मतलब ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, तभी आपको लाभ मिलेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उस टाइम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऑनलाइन आवेदन करो तो उसकी अंतिम तिथि तक आपके पास जो है ये प्रूफ होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है, आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाई जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा मतलब जो भी आपत्ति वगैरह लगाई गई है कि ये क्वेश्चन गलत है, अगर इस कंडीशंस में अगर आपका जो आपने आपत्ति लगाई है वो अगर सही है, तो आपका यहाँ पे शुल्क जो है वो वापस किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अभ्यर्थी के लिए कि उसका शुल्क जो है वो वापस किया जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम, समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं, तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नोट है, उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन अविलंब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि को ही अभ्यर्थी के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS भिजवाया जाएगा और इस संबंध में संक्षिप्त सूचना 2 प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। अवसर दिए जाने की उक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी, एवं इस अवसर के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर नियम अनुसार अग्रिम जो कार्यवाही है वो की जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी जो काउंसलिंग हो रही है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या फिर जो भी इंटरव्यू वगैरह है, उसमें जो है कार्यक्रम के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों से विस्तृत जो आवेदन पत्र जो प्राप्त किए जाते हैं, अगर वो आपने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बार बार आपको जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा मैसेज के थ्रू, और सेकंड यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उस पर भी आपको जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आपके पास SMS भी भेजा जाएगा। तब अगर आप कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो विभाग है वो आगे की कार्यवाही जो है उनके द्वारा जो की जाएगी वो करेंगे। ठीक है, अब
अब नेक्स्ट देखो, नाइन्थ जो है वो है, उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने, अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की जो है अभ्यर्था पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी खुद जो है अभ्यर्थी है उसकी होगी। तो यहाँ पे देखो छोटी सी जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे विस्तृत आवेदन पत्र अगर आपने प्रस्तुत नहीं किया है, गलती से नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी जो है गलती हो जाएगी और यहाँ पे जो अभ्यर्थी है उसको जो है इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत जो आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त जो रसीद है प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे जो है आवेदन शुल्क भरती है, एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करते हैं उसमें जो फीस भरी जाती है उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, और उसकी जो रिसिप्ट है उसकी प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ उसको करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ में ये जो रूल्स है वो यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके अंदर से